हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर से मैं एक न्यू अपडेट के साथ आया हूँ। तो हीरो मोटरकॉर्प रिक्वायरमेंट आया हुआ है, तो अगर आप भी हीरो मोटरकॉर्प में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर जो है आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा और आपके होम से ही इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, मैं ये सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करके भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि हर एक न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हीरो आईटीआई वैकेंसी फॉर्म, तो मैं आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करके बताऊंगा। उससे पहले कुछ कंपनी का इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग देख लेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास उत्तराखंड में हीरो मोटरकॉर्प हरिद्वार प्लांट के लिए तत्काल आईटीआई वैकेंसी है। यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया निम्नलिखित फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। जो यहाँ पर आयु मांगा जा रहा है वो 18 से 26 वर्ष के लिए। आईटीआई पासिंग वर्ष जो है 2017-18-19। केवल 2020 के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। और यहाँ पर ट्रेड्स रिक्वायर है वो देख सकते हैं किन किन ट्रेड्स वालों के लिए है। फिटर, एमएमवी और डीएम, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप मानदंड के अनुसार पात्र हैं तो हमारी टीम एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर पूरा करने के लिए आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी। और यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं तो आपको अंतिम साक्षात्कार तथा मेडिकल के लिए आना होगा। अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को उत्तराखंड सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। चयनित उम्मीदवार एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी ट्रेनिंग योजना में शामिल होंगे। अप्रोक्स मंथली इन हैंड्स सैलरी 14,000 आफ्टर डिडक्शन प्लस अदर बेनिफिट्स भी आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर आरोग्य सेतु ऐप कैंडिडेट मस्ट हैव स्मार्टफोन एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप लोगों को ज्वाइनिंग के समय आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सीलेंस एचआर कंसुलेट्स और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं डू नॉट सबमिट अगेन इफ़ ऑलरेडी सबमिटेड और अपेयर्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट या इंटरव्यू। तो अगर आप इसको फॉर्म को सबमिट करते हैं तभी आप टेस्ट या इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करके बताता हूं। तो यहां आप लोगों से नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर आधार कार्ड, तो आप लोगों का जो आधार कार्ड में नाम होगा वही यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। यहाँ पर जो आधार कार्ड में होगा वो फादर्स नेम यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी यहाँ पर आप लोगों से मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज फ्रॉम कैलेंडर विल होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है एज इन ईयर्स, तो आप लोगों का कितना साल हो रहा है वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से जेंडर फिल करने को बोला जा रहा है। तो ये जो है मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर आप लोगों से ट्रेड्स मांगा जा रहा है, ओनली फ्लोइंग ट्रेड्स रिक्वायर्ड, अदर डू नॉट अप्लाई। ये जो ट्रेड्स दिया हुआ है फिटर, एमएमबी, डीएम, टीएम, टर्नर, वेल्डर्स, मैकेनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन, तो यही जो जो ट्रेड्स दिया हुआ है वही फिल करेंगे, अन्यथा जो दूसरा ट्रेड्स वाले हैं वो नहीं फिल करेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीआई पास ईयर फ्लोइंग पास ईयर रिक्वायर्ड, तो ये 2017-2018-2019 में जो पास किए वही यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अदर एजुकेशन, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन है आपके पास तो इसमें फिल कर लेंगे, अन्यथा नो अप्लीकेबल पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को पोस्टल एड्रेस मांगा जा रहा है, यहाँ से आप अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल करने को बोला है, आप जिस स्टेट से होंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आता हो वो यहाँ पर आप लोगों को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या आपने पहले किसी अन्य हीरो मोटर को प्लांट में काम किया है। तो अगर आप किसी और भी हीरो मोटर्स को प्लांट में काम किया है तो यहाँ यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर लेंगे।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी नेम ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपनी लीव ब्लैंक इफ नो एक्सपीरियंस। तो अगर आप इससे पहले किसी भी कंपनी में काम किए हैं तो उस कंपनी का यहाँ पर नेम फिल करना है, अन्यथा नो एक्सपीरियंस फिल कर लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर इफ़ एनी अपडेशन इज पेंडिंग प्लीज कंप्लीट इट। अगर आपका आधार कार्ड में कुछ गलती है और अपडेट करने के लिए आप दिए हैं तो वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर नहीं चलेगा। जिसका आधार कार्ड पूरा कंप्लीट बन चुका है वही आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कंपनी की ओर से कुछ शर्तें दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और यदि शामिल होने के समय कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो कंपनी को मेरी ज्वाइनिंग को रद्द करने या भर्ती प्रक्रिया से समाप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कंपनी की ओर से अगर आप किसी भी प्रकार की फॉर्म में गलती करते हैं तो वो आपका फॉर्म रद्द कर सकता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप सही से भरेंगे मैं जैसे बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अगर सही से भर चुके हैं तो यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो आइए मैं भी फॉर्म को फिलअप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को ऐसे ही फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि सबमिट का बटन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो मोटर्स रेवाड़ी ITI वैकेंसी फॉर्म, कंग्रेचुलेशंस योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, थैंक। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है वो फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली और आप लोगों को कंपनी की ओर से कॉन्टैक्ट भी किया जाएगा। और अगर आप जो फॉर्म को फिलअप किए हैं उसको यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं सी प्रीवियस रिस्पांस। और अगर आप दूसरा फॉर्म भी और फिलअप करना चाहते हैं किसी का तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। तो आप लोगों का ये कम्प्लीटली फॉर्म आप मैं फिलअप करके आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।